Aditi, I love you. Suchi. Haha. Love you too. गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपके रेट से एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो। सो मैं आपको बता दूँ, ये प्रैंक ऑन यश चौधरी पार्ट 5 होने वाला है। इसके जो रिएक्शन है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। और मुझे पता है कि देखो, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये कोई थप्पड़ का बदला नहीं है, ये जस्ट एक छोटा सा प्रैंक करने का मन सा कर रहा। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आप लोग देख सकते हो बुक के और केक चॉकलेट्स एंड उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी इस वीडियो में। तो यार आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले ये वीडियो। तो मैंने अभी क्या किया कि अभी एक काम करो, आप ये कैमरे को आप ऑटो जूम पे करके सामने टाटा स्काई दिख रहा है, आप इसको वहाँ कनेक्ट कर दो। या मैं आपको बता दूँ, थोड़ा ट्राईपोड की ना एक टांग टूटी हुई है तो कैमरा थोड़ा हिल मिल सकता है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट सामने टाटा स्काई के ऊपर आपको कैमरा सेट करना है, ठीक है, ऑटो जूम पे। तो वीडियो की रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। मैं आपको बता दूँ, मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया, तो एक बार कॉल किया जाए बंदा कहाँ पहुँचा है। मैं बता दूं आपको, ये थप्पड़ का बदला नहीं है, बस एक मन में आया कि छोटा सा प्रैंक करना, सरप्राइज़ प्लान करना, उसके लिए तो मैंने कर दिया। आई होप आपको बहुत ही पसंद आने वाली है वीडियो। लेट्स सी क्या होता है। हेलो, सुनो कहाँ हो? अरे मैं पहुंचने वाला हूँ बस 2 मिनट में, वहीं तुम्हारे फ्लैट के नीचे। अच्छा, मैंने प्रॉपर लोकेशन सेंड कर दिया, ठीक है। हाँ बस पहुंच रहा हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल पैदल आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। ओके, तो नीचे मिलोगी? नहीं, एक काम करो ऊपर आ जाओ, रूम पे आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, नीचे आ जाना यार, चाय पियेंगे बाहर बैठ के। चाय पियेंगे, पहले आओ तो सही ना, मेरे पास ना एक बात है, एक सरप्राइज है छोटा सा तुम्हारे लिए, तो तुम आओगे तभी पता चलेगा वो तो क्या है। क्या यार, तुम आए दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। अब आए दिन मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तभी तो मजा आता है जिंदगी में। बहुत जरूरी है ना, थके हुए हो तभी तो रूम पे बुला रही हूँ। अबे यार, तुम मेरा बस, चलो आओ, पहुंचने वाला हूँ। तो यार बंदा आने वाला है, उसके लिए मैंने बहुत तगड़े वाला प्लानिंग किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैमरे को थोड़ा सा ऑटो जूम पे डाल के और टाटा स्काई के नीचे वहाँ पे कनेक्ट करना है। बहुत सुपर रिएक्शन आने वाले हैं। देखो मैं बता दूँ, उसके लिए बहुत सरप्राइज प्लान किया है मैंने। चॉकलेट्स देख रहे हो आप लोगों के लिए, इतनी सारी चॉकलेट्स उसके लिए है, एक छोटा सा गिफ्ट है उसके लिए। ये तो मैं उसे सच में दे रही हूँ, माना प्रैंक कर रही हूँ, लेकिन वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। वेट करते हैं उसका, 5-10 मिनट नॉक करेगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो के बाद। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ अपनी ग्लोइंग स्किन का राज। तो जैसा कि हर कोई उठकर मॉर्निंग में फ्रेशनेस चाहता है, तो मुझे ये फ्रेशनेस मिलती है वाओ के उपटन फॉर्मिंग फेस वॉश से। तो इसमें एलमंड्स एक्सट्रैक्ट्स, टर्मरिक, सेफ्रॉन और रोज़ वाटर और सैंडलवुड ऑयल, और ये आपको पैराबेंस और सल्फेट फ्री भी है। और ये आपको बता दूँ, ये सिलिकॉन और कलर फ्री भी है, और ये आपको हेल्प करता है क्लीन एंड क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्शन में। सो सैंडलवुड ऑयल और रोज़ वाटर आपको हेल्प करते हैं सॉफ्ट ग्लो स्किन देने में और कंट्रोल करते हैं आपके एक्सेस ऑयल को। और ये चिकपी फ्लोर आपको हेल्प करते हैं डेड स्किन रिमूव करने में, और ये ऑल टाइप स्किन के लिए बेस्ट है। सो ये इजी टू यूज़ है। मैं आपको बता दूँ, मुझे किसलिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें आता है एक सॉफ्ट ब्रश जिससे आप अपने स्किन को इजिली क्लीन कर सकते हो। सो इसको यूज़ करने के लिए फेस को और नेक को थोड़ा सा वेट करो, देन इसको आप अप्लाई करो आप अपने फेस पे, और अब धीरे से मसाज करो कुछ मिनट्स के लिए, और फिर नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लो। अब आपका फेस फुल डे फ्रेश रहेगा। सो ये है मेरी ग्लोइंग स्किन का राज, जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। सो गाइज, आप लोग भी इसे जाके ऑर्डर कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। जाकर इसे ऑर्डर करो, यूज़ करो और बताना है आपको कैसा लगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। यार आ चुका है बंदा, तो यार गेट खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाय, आओ। हाय, कैसे हो आप? क्या हुआ, कैसा लग रहा है? रखा है तुम्हारे लिए किया है? रहने दो। क्या तुम्हारे लिए प्लान किया, कैसा लग रहा है? नहीं सच बताओ, क्या सीन क्या है? क्या सीन क्या है तुम्हारे लिए? प्लान किया था सब कुछ, मैंने मेहनत करी है इतनी, किसी ने हेल्प भी नहीं करी मेहनत में मेरी। देख लो कितना ज़्यादा किया तुम्हारे लिए, कैसा लग रहा है ये बताओ।
मेरी मेहनत वसूल हुई नहीं हुई यार, मैं शॉक्ड हो गया हूं, ये हो क्या रहा है कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। आप बैठो ना प्लीज। अब यार प्लीज यार, क्या हो गया तुम्हें? आओ आओ ना, मुझे तुम्हारे प्यार का भूत सवार हो गया। आओ नहीं यार, मुझे डर, प्लीज यार डर क्यों लग रहा है? बैठो यार, मुझे बताओ ना ये इसके नीचे कोई पापड़ वापड़ नहीं है, जो तुम बैठोगे तो पक पप हो जाएंगे। चलो बैठो। अबे मतलब सीन क्या है ये? हमारे लिए कुछ प्लान किया। अच्छा तुम बैठो तो सही यार, ना तो वैलेंटाइन डे ना मेरा बर्थडे हाथ होती है यार। रिलेटेड वैलेंटाइन डे बना लेके क्या हुआ भाई? रहने तो मेरे साथ मत बात कर रही हो तुम। नहीं कर रही हूं मजाक, बैठो ना। यकीन नहीं हो रहा मुझे, सच होता है ये क्या है? यकीन नहीं हो, मैं बैठ के देखूंगी। देखो सच बताऊं, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी। क्या हो गया तुम्हें? मजाक के मूड में नहीं यार, मैं मजाक के मूड में मैं खुद ही नहीं हूं, मैं तो सीरियस हूं बहुत ज्यादा। ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है तुम्हारी जैकेट? थैंक यू, बट मुझे ये गड़बड़ लग रही है कुछ यार। ओ बताओ, अच्छा लगा सब कुछ? यार मुझे पता नहीं है कर क्या रही हो तुम। अच्छा कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे लिए belated happy valentine यार, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए एक्सेप्ट कर लो ना, मेरा दिल टूट जाएगा यार। रिटकी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूं मैं? तुम्हें छेड़ा थोड़ा है मतलब? नहीं यार मुझे ये तुम्हारे लिए है, और मुझे तुम्हारे साथ केक कट करना था इसलिए क्योंकि हमने वैलेंटाइन डे बनाया नहीं था ना। सो मैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये क्या बात कर, तुमने वो प्रपोजिंग वाली वीडियो की थी ना, उसमें मुझे फीलिंग्स भी दिख गई थी तुम्हारी, तो मैंने कहा यार मन में है प्यार करती हूं तो एक्सेप्ट करने में क्या गलती है। तो सब चाहते भी थे कि यार एक्सेप्ट कर ले रेड सी यश को, और तुम्हें तो पता है कमेंट्स की बौछार होती रहती है हम दोनों को लेके। पापा पता तुम्हारे जाने के बाद मुझसे यही कहते कि रेया जी बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर की बहू बनेगी, तो ये ऐसे समझ रहे हो ना यार? अब मैं अच्छी हूं ना क्या, कब तक सब मुझे पसंद कर लेते हैं? बट यार ये तुम्हारी चॉइस हो ना, इसमें ना कोई साजिश की बू आ रही है? साजिश की बू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सीरियसली यार। इसमें मैं मतलब तुम्हें लग रहा है प्रैंक करूंगी क्या? हद है यार, प्लीज यार, वैलेंटाइंस डे हमने मनाया नहीं है साथ में, तो छोटा सा केक लिया तुम्हारे लिए, सरप्राइज प्लान किया था, सोचा कट करेंगे। वैलेंटाइन क्या मतलब यार मेरे को? तुम नॉर्मल सिंपल सा ही कह, लव यू और लव यू टू बोल दो मेरे लिए। नहीं यार वो मैं थोड़ी अलग हूं ना, फिल्मी टाइप की हूं तुम्हें पता है ना। कट करोगे ना यार? यकीन नहीं हो रहा है। एक मिनट, कुछ और भी है तुम्हारे लिए मेरे पास, ऐसे बोलना चाहती थी। आई लव यू। सच्ची? हाँ हाँ। शर्मा क्यों रही हो? आपने मतलब फूंक मारो, चलो केक कट करते हैं। आओ। सच में बहुत अच्छी यार, इतना करोगी मेरे लिए कभी मैंने सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं तो गिल्टी फील हो रही है यार, मैंने तुम्हारे स्लैप कैसे मार दिया। कोई बात नहीं यार, हाथ क्यों कांप रहे हैं? फूक मारो पहले। यो हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे हैप्पी बिलेटेड होता है ना यार? बिलेटेड यार, देखो हमारा प्यार अभी शुरू हुआ है तो यार अभी हो गया ना हमारे लिए तो वैलेंटाइन डे। केक तो बड़ा अच्छा है यार, बहुत अच्छा, तुम्हारा फेवरेट है ना। बहुत सारी चीजें मैंने जान लिया तुम्हारे साथ बैठ के। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है मेरे पास। सच बताऊं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतना स्पेशल मेरी लाइफ में तुम लाओगी ये पल। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मैं, चेक इट। क्या सीन क्या भाई, क्या चाह क्या रही हो यार? कुछ अच्छा प्लान किया है तो फिर चॉकलेट भी, ये भी, ये भी। कोई बात नहीं यार, तुम एक्सेप्ट करो ना, मेरा मन था ना, मेरा मन था ना ये सब करने के लिए। तुम मतलब प्यार है यार, इतना तो बनता ही है, क्या हो गया? हर कोई करता है प्यार में तो। कैसा बताओ? बहुत टाइम से बोले थे ना जी शॉक चाहिए। Awesome, यार। और याद है तुम्हें हम लास्ट टाइम गए थे, ये का पहला गिफ्ट है। तुम्हें पता है यार लास्ट टाइम हम गए थे तुमने बोला था मुझे यही चाहिए, मैं लेने आऊंगा थोड़े दिनों बाद, तो मैंने बोला यही दूंगी यार। यार दिल करता है। पहना दूं फिर? जब इतना कर रहे हो तो पहना ही तो यार। सच बताऊं यार, मैं इतना सोचा नहीं था मैंने कि मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत पल तुम कभी लाके दोगी। सच में मजाक तो नहीं है प्यार में तो? ये मजाक नहीं है, ये सच में हो रहा है, ये कोई प्रैंक थोड़ा है कि मजाक में हो रहा है। कैसा लगा सब कुछ? मेरा सरप्राइज, मेरी मैं भी तुम्हें प्लानिंग खिलाना चाहता हूँ प्लीज। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। अब इतनी मासूम सी शक्ल क्यों बना रहे हो? दो बार प्यार हो जाएगा।
वॉच कैसी लग रही है? सेक्सी, सुपर सेक्सी। जीशोक, जीशोक। नाइस। बहुत अच्छा। अच्छा एक काम करो, थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? नीचे जा रही हूँ, छोटा सा काम है, अभी कॉल आया है। प्लीज यार मत जा रहा, मैं यार इतने उसमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्या मैंने कुछ ऐसा थोड़ा किया जो मुझे छोड़ के जा रही हूँ? अभी आ रही हूँ, बस 10 मिनट में आ रही हूँ, 10 मिनट दो। चलो ठीक है, टेक केयर, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, तुम वॉच को देखो, मैं अभी आती हूँ 10 मिनट। दस मिनट काउंट कर लेना, ठीक है? ये देखो मेरा फेवरेट है, अगर मैंने सारा केक खा लिया ना गुस्सा मत। कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाओ ना, तुम्हारे लिए तो है सब कुछ। कितनी देर में आ रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम थोड़ा एंजॉय करो यार। बस 10 मिनट में पक्का। टेक केयर, बोल दो ना जिसकी भी कॉल है। अरे मैं आ रही हूँ ना, मैं तुम्हें बता दो पहले। लड़की है, टेंशन मत लो, लड़का नहीं है। अभी आ रही हूँ, एक छोटा सा और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, वो नीचे आया हुआ है। इतना दे दिया, ये काफी था यार मेरे लिए। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, चॉकलेट्स खाओ, मैं अभी 10 मिनट में आ रही हूँ। टेक केयर। हाँ सॉरी यार, मैं बैठ जाऊंगा। हेलो यार, कहाँ हो? बस वो तुम्हारा छोटा सा सरप्राइज था, उसमें टाइम लग रहा है यार। यार हवाई जहाज है क्या यार? देखना मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं था, तुम ऐसे क्यों यार कर रहे हो? आ जाते हो यार प्लीज। मैं अभी आ रही हूँ ना थोड़ी देर में, बस ये बंदा है ना भैंस किया, बहुत टाइम लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे यार आ जाओ यार प्लीज, हद होती है। बस आ रही हूँ मैं, आती हूँ आती हूँ, फोन रखो फटाफट। कहाँ हो यार? थोड़ी सी देर तो बस, 10 मिनट। हद होती है यार, हो कहाँ पे तुम? प्लीज मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ यार। फिर मैं तुम्हारे दिल में हूँ, कहीं नहीं हूँ मैं। अबे यार देखना ऐसे नहीं होता, प्लीज यार समझा करो। तो मैं रेक्स के सिवा कोई और नजर नहीं आया। नहीं यार मैं बोर हो गया, पता है। कमाल है यार, हद होती है। यस यस फ्रेंड्स, नाइस। मैं यार प्लीज यार हद कर दी इस लड़की ने। हेलो, हाँ बेबी बोलो। यार मैंने भी ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बनाया, बट यार लेकिन तुम जो कर रहे हो ना अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे को हद हो गई, रात हो गई है यार, किल्सन इतनी भर रही है ना, आ नहीं रहे हो तुम, हद कर दी, रात हो गई, मैं पागल हो गया हूँ। यार एक बात बताऊं, तुम्हें मेरी बात सुनो। बोलो यार, ये ऑफलाइन भी अब मजाक करने लगी हो क्या? हद है, दिन से तुमने जब से यार जानू ऑफलाइन मजाक किया, मैंने तो ऑनलाइन मजाक किया। जरा अपने सामने जो टाटा स्काई है उसके नीचे हिडन कैमरा देखो, याद है तुमने मुझ पे प्रपोजिंग प्रैंक किया था लास्ट टाइम? तो यार ये ना थप्पड़ का बदला नहीं था, ये उसमें प्रपोजिंग प्रैंक का बदला था जो कि मैंने आज ले लिया तुमसे। क्या सुना तो होगा ना, जैसे को तैसा, तो यही सीन हुआ है तुम्हारे साथ, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, सुना है ना? तो ये उसी का बदला ले लिया मैंने तुमसे। ये अच्छा नहीं किया यार, पता है मैं यहाँ पे इतनी खुशी खुशी में तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा प्लान बनाया था, मैंने हद कर दी यार तुमने। कोई बात नहीं, मजा आया ना मजा। ये ऐसे कौन करता है यार, हद कर। क्या लगता है कि सिर्फ मैं होशियार हूँ, तुम भी समझदार हो? यार मुझे नहीं चाहिए साथ रह के, तो मैं और भी ज्यादा टैलेंटेड हो गई हूँ यार। देखो मुझे कैमरा अच्छे से हाइड करना भी आ गया, मजा आया ना, प्रैंक बहुत अच्छा जाने वाला है। नहीं चाहिए मुझे।
चलो एंजॉय करो अकेले। ये तुमने गलत किया यार, मैं बता रहा हूँ ये बहुत गलत किया यार, सीरियसली किसी की फीलिंग्स के साथ ना ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पता है मैं बहुत खुश था, तुमने आज के बाद ना मैं बता नहीं ये दुखता ही नहीं है मेरे को, भगवान ने दिल नहीं दिया है उसको, दर्द नहीं होता ना बिल्कुल भी, सिर्फ तुम्हें ही पेन होता है। सुनो 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 मेरी बात सुनो, मुझे दर्द नहीं हुआ है ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारी वॉच मैंने वहीं पे रखी हुई है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, है ना, ठीक है, देख लो अगर तुम जा पाते हो तो। यार ये तुमने गलत किया, प्लीज यार यहाँ वापस आओ, ये गेट खोलो, सीरियसली बता यार, मैं ना अपने फ्रेंड के यहाँ आ चुकी हूँ, मेरी दोस्त है वही वही पे पीसी पे आ गई मैं, तो फिर अपने आज तो आने पाऊंगी मैं, कल आके तुम्हें अनलॉक कर दूंगी, ठीक है, प्लीज मेरा यार ये गेट खोलो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमने, प्लीज यार यहाँ पे मुझे नहीं पता, दूर आ गई है पिछले दिन रात, मुझे नहीं पता यार, तो मैं कल आती हूं, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो आज जो तन्हाई के साथ नहीं आज एंजॉय करो, आज जो तुमने किया, आज जो तुमने किया ना ये बहुत ज्यादा गलत किया है, मेरी बात सुन लो, बाय बाय, नहीं आज के बाद तुम मुझे ना कोई फोन और एसएमएस कर मत कर लेना, मैं बता रहा हूँ आज के बाद जो यारी दोस्ती थी ना वो भी खत्म हो गई, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए यार कुछ भी, नहीं नहीं बाय, मैं तुम्हारा जो कैमरा रखा है ना मैं इसको भी तोड़ रहा हूँ। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, यश बहुत गुस्से में आके उसने मेरा कैमरा तोड़ दिया है, लेंस तोड़ दिया है, माइक भी नहीं चल रहा है यार, और रूम की हालत देख रहे हो आप लोग, उसने क्या किया, वो इतने गुस्से में यार, एक छोटे से मजाक के लिए वो ऐसे कैसे कर सकता है यार, कैमरा जो मेरा भगवान है जिससे मेरा काम चलता है, मुझे कैमरा भी नया खरीदना पड़ेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है, प्लीज हेल्प करना उसको मनाने में, बहुत गुस्से में गया वो यहाँ से, कैमरा भी तोड़ दिया, माइक और वॉच जो मैंने उसे गिफ्ट की थी वॉच भी उसने ऐसे ही फेंक दिया, लेट्स सी क्या होता है, बाकी दोस्ती में छोटी मोटी चीजें होती रहती है, मुझे लगता नहीं वो इस बार मानने वाला है, आप लोग प्लीज मेरा साथ देना कि मैं उसको मनाने में कामयाब हो जाऊं। तो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो, कैमरा टूट गया इसलिए मुझे अपने आईफोन से शूट कराना पड़ा एरिक से, तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और बस कुछ नहीं कहना चाहती, लव यू ऑल।